इस साल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के दो जगहों पर राम राम बड़े भजन मेला का आयोजन हुआ। यह आयोजन 2 जनवरी से 5 जनवरी तक चली। दोनों ही जगहों पर 3 दिनों तक चलने वाली मेला में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां एक जगह पर शासन प्रशासन की ओर से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, वहीं दूसरी जगह पर शासन की ओर से कोई भी सुविधा नहीं दी गई, केवल सुरक्षा के नाम पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी। हम बात कर रहे हैं बिलाईगढ़ क्षेत्र के चंद्रीडी गांव की, जहां बिना प्रशासनिक सहयोग के विशाल राम राम बड़े भजन मेला का सफल आयोजन हुआ है। मेला समिति के अध्यक्ष दीपक टंडन और मुख्य व्यवस्थापक व संचालक गुलाराम ने बताया कि राम राम की कृपा से हमारे गांव में मेला का आयोजन सफल हुआ है, जहां भारी संख्या में 3 दिनों तक दर्शनार्थियों और मेला घूमने वाले लोगों की भीड़ देखी गई। मेला में सभी तरह की झूले, मौत कुआं, मनोरंजन के अन्य साधन, होटल, दुकान, सारी चीज लगाई गई थी। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की ओर से विशाल पंडाल लगाया गया था, जिसमें 3 दिनों तक जागृति जत्था सांस्कृतिक कार्यक्रम चला, जहां दाऊराम रत्नाकर, श्याम टंडन, नारायण टंडन, टेकलाल साहू, दयाम खुराना, पूर्व विधायक हरिदास भारद्वाज जैसे लोगों ने मेला में आने वाले लोगों को संबोधित किया। पंडरीपानी गांव से मेला पहुंच तक का मार्ग जर्जर और कच्ची सड़क होने की वजह से धूल की अंबार से लोग परेशान होते रहे। वहीं मेला के अंतिम दिन 5 जनवरी को रास्ते में कई बार वाहनों की वजह से भीड़ की स्थिति निर्मित हो गई। मेला संचालक गुलाराम ने बताया कि मेला में इतनी ज्यादा भीड़ होने की उन्हें उम्मीद नहीं थी, किंतु राम राम की कृपा से मेला पूरी तरीके से सफल हुआ है और मेला में किसी भी तरीके से कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने मेला की सफलता के लिए मेला समिति के सभी कार्यकर्ता और आसपास के गांव से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सहयोग करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद कहा है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।